बैठिए मेरे साथ, आइए। हाई कोर्ट चलो। लीजिए आ गया। मैम साहब सिर्फ 2 रुपए? मैं हमेशा 2 रुपए ही देती हूँ। अजी मैम साहब किस जमाने की बात कर रही हैं आप? ये भारत देश है, गरीबों और राजनीतिकों से भरा पूरा देश। दिन ब दिन चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं सिवाय मेहनत की कमाई के। कल जो 1 रुपए में सामान मिलता था आज वो 2 रुपए में मिल रहा है, आज जो 2 रुपए में मिल रहा है कल वो 20 रुपए मिलेगा। और फिर आप ये क्यों नहीं समझते कि यहाँ का बजट बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और फिर देखिए आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? पूरे शहर में एक लौता रिक्शा वाला हूँ, ओनली 1 पीस, जो एमए की डिग्री के बावजूद रिक्शा चला रहा हूँ। और आपको 2 रुपए ज्यादा देने में तकलीफ हो रही है, निकालिए 4 रुपए, 2 रुपए और निकालिए। नमस्ते। क्या होगा इस देश का? यहाँ रुको। ये लो। अरे जरा प्यार से तो बोला करो देवी जी। अरे भाई जल्दी चलो जल्दी। अरे मनोहर तुम? अरे बातें बाद में करेंगे दोस्त, अभी तू रिक्शा भगा। मेरी जान खतरे में, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे पीछा करने वाले तेल लेने गए यार, रघुनाथ प्रसाद राय एमए की रिक्शा को कौन पकड़ सकता है, ये देखो। रघु तुम एमए पास करके रिक्शा क्यों चला रहे हो? अरे भाई यही सवाल कई बार मैं अपने आप से खुद भी कर चुका हूँ। अब जहाँ जाता हूँ नौकरी के लिए पाता हूँ कि मुझसे कम पढ़ा लिखा आदमी पहले ही रख लिया गया, तो सिवाय रिक्शा चलाने का और क्या रास्ता था। खैर छोड़ो ये बताओ तुम्हारे पीछे कौन लोग पड़े थे? अरे पुलिस वाले। पुलिस वाले? पुलिस वाले तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? साले कहने लगे धंधा बढ़ गया तो हफ्ता भी बढ़ाओ, मैंने मना कर दिया तो साले भूत की तरह पीछे पड़ गए। अबे ओ राम मनोहर त्रिपाठी के बच्चे, तो स्मगलिंग का धंधा करने लगा? करने लायक और कोई काम भी नहीं। मेरी बात मानो तो ये रिक्शा छोड़ो, मेरे साथ चलो मेरे बॉस के पास, और तुम रघु रिक्शा वाला से रघु सोना वाला बन जाओगे। रघु सोने वाले के बच्चे राम मनोहर त्रिपाठी की औलाद, तो समझ कर पहली बार तुझे माफ कर देता हूँ। अगर दोबारा कोई ऐसी बात की ना मुझसे तो तुझे पुलिस के हवाले में खुद कर दूंगा, समझा? फुट यार फुट। अच्छी बात है मेरे बाप, अगर इरादा बदल जाए या मेरी जरूरत पड़े तो मेरे नए पते पे आ जाना, 21 सी पैलेस जुहू। मेरी दोस्ती में फायदा ही फायदा है, याद रखना। जाना। अरे सर्वश्री रघुनाथ जी। हाँ वकील साहब। क्या बात है यार, आज बहुत चमक रही हो। आज मैं अपना पहला केस जीत कर आई हूँ श्रीमान, और सेशन जज मिस्टर कृपाल सिंह ने मेरी इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि सारे सीनियर वकील मेरे तरफ देखते रह गए। लेकिन सच पूछो तो जीत पर भी कुछ खास मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि घर का केस तो हार ही बैठे हूँ ना। घर का केस? घर का कौन सा केस? आज जब सारे बार काउंसिल मुझे कांग्रेचुलेट कर रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उस रिक्शा पर बैठकर अदालत आई हूँ जिसे मेरे पति चला रहे थे, और मैं इस दुनिया के सामने उसे पति नहीं कह सकती। अरे जान मुझे को रिक्शा चलाने का शौक थोड़ी है, तुम तो जानती हो कि नौकरी के लिए अप्लाई करने के मामले में मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका, लेकिन मेरे पास असली क्वालिफिकेशन नहीं है ना, सिर्फ एमए पास हूं फर्स्ट क्लास। सो व्हाट, जहां जाता हूं लोग कहते हैं किसी के रिश्तेदार हो, किसी मंत्री की सिफारिश लेकर आया हो। मैं कहता हूं नहीं साहब, लेकिन मेरी डिग्री देखो ना। कहते हैं डिग्री का क्या करना है, ना तुम किसी के रिश्तेदार हो ना ही किसी की सिफारिश लेकर आयो, तो फिर खामोखा हमारा टाइम बर्बाद करने क्यों चले आए? सीधी सी बात। अपने दिल में इतनी कड़वाहट ना भरो जान, यही अन्याय तो हमारे समाज की आधारशिला है। देखो जान, जिस दिन तुम्हारे इस जान को गुस्सा आ गया ना, मैं समाज के ऐसी तैसी कर दूंगा। ऐसे तैसे नहीं की जाती, समाज को बदला जाता है। अच्छा थूक डालो कड़वाहट को, आज रात हम कहीं बाहर चलेंगे। आज नहीं। क्यों? आज कमाई बहुत थोड़ी हुई। तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। नहीं जान नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ,
मैं पत्नी को पांव की जूती नहीं समझता और ना ही मैं औरतों के काम करने के खिलाफ हूँ, लेकिन हजारों बरस पुराने संस्कारों का क्या करूं। अभी सिर्फ हमारी सोच आजाद हुई है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व अभी तक संस्कारों के अधीन है। अगर मुझे एमए की डिग्री गाली नहीं लगती, अगर मुझे समाज में वो जगह मिल जाती जिस पर मेरा अधिकार है, तो मैं तुम्हारे पैसों से कतई नहीं शर्मता। लेकिन आज तुम्हारी कमाई का एक एक पैसा मुझे और मेरे अहम को चढ़ाता रहता है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज। भाभी भाभी मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मुंगेलाल, तुझे 4 फुट 5 इंच की भाभी दिखाई देगी, ये 6 फुट 2 इंच का बड़ा भाई दिखाई नहीं दिया है? सॉरी भैया, भूख लगी है भैया। और बहुत बहुत भूख लगी है मेरे भाई, जल्दी कुछ किया जाए। हाँ, आप लोग 10 मिनट बैठिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी आप बाहर का खाना भूल जाएंगे। ऐसा ऐसा आओ जानी आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे भाई, क्यों लड़कियों को छेड़ते हो? तो क्या मैं तुम्हें छेड़ू? मेरी चम्बक छेलो। अच्छा, तुम मुझे छेड़ोगे? बड़ी खुशी से मेरी जानी। कब छेड़ोगे राजा? अभी मेरी जान। आजा पीछे बैठ जा, तुझे अभी आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। आजा तू भी आजा। शादी है क्या? यहाँ पर रिक्शा खड़ा करने का हफ्ता लगता है, समझा?
बहुत बोल रही है ना, मता पता बता क्यों बे? या धंधा करता और हबीब लॉ और जय हरामी को नहीं जानता? अरे आज की सलामती चाहता है तो उसे जेब में रख, वरना बत्तीसी तोड़ के हाथ में। जा जा चमन लाल मुंगी लाल के औलाद, चल हट। भैया वाह वाह वाह, मजा आ गया। रघु तुम्हें रिक्शा चलाना है तो या तो ठीक से लड़ना सीखो या चुपचाप हफ्ता दो। अरे भाई तुम दिन रात मेरे रिक्शा चलाने के पीछे क्यों पड़ी रहती? कहा ना कि मैं अपने संस्कारों से मजबूर हूँ, कुछ नहीं करूंगा तो टूट जाऊंगा। रिक्शा चलाता हूँ तो मेरा पसीना मेरे अंदर की धड़कती हुई आग को धीमी आंच देता रहता है कि समाज ने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया और भगवान ने भी कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। काश तुम्हें किसी मंत्री या उपमंत्री की बेटी बना देते तो उनकी भगवानी में क्या कमी हो जाती। हमें अन्याय के इस कीचड़ में रेंग रेंग कर जीने वाला केचुआ बनने की क्या जरूरत थी। खैर छोड़ो, तुम शॉपिंग के लिए कह रही थी ना, चलो शॉपिंग करा देते। शॉपिंग कहाँ जा रही है? शॉपिंग कल करेंगे। हाँ कल करें सो आज करें, आज करें सो अब। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं रिक्शा निकालता हूं। एक बात बताओ, ये रिक्शा निकालने के नाम पे तू मुझे इतना घूर के क्यों देखती है? अगर मैं मोटर गाड़ी निकालने की बात करता तब भी क्या तू मुझे इतना घूर के देखती? अरे रिक्शा चलाने के नाम पे शर्मा तो मैं क्यों शर्माऊं? शर्माए साला वो समाज, शर्माए वो यूनिवर्सिटी जिसने मुझे डिग्री दी है, हम और तुम क्यों शर्मा? हाँ चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं रिक्शा निकालता हूं। अच्छा मैडम, ये देखिए और ये भी देखिए। हाँ ये तीन दे दीजिए। अच्छा बस तीन जी? आपके ड्राइवर के लिए क्या दूँ? वो मेरा ड्राइवर नहीं, मेरे पति। Biggest, latest Bollywood blockbuster, only on Eros Now.